साल की तरह इस साल भी वार्ड नंबर 17 महबूब नगर के अरमान ग्रुप सैयद फैयाज, सैयद अहमद, मोहम्मद इस्माइल, मोहम्मद आसिफ बागबान, एसके सत्तार बागबान की तरफ से इफ्तार और ताम का इंतजाम रखा गया था, जिसमें एरिए के सभी बुजुर्ग और नौजवानों ने हिस्सा लिया और साथ ही बाबा नजर मोहम्मद खान साहब, वार्ड नंबर 17 के कॉरपोरेटर अयाज खान भी मौजूद थे। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। मैं आज यहाँ महबूब नगर में जो है ना मदीना पब्लिक स्कूल के बाजू जो है ना रोज़दारों के लिए इफ्तार और ताम का इंतज़ाम किया गया था और तमाम रोज़दार आके इफ्तारी कर चुके हैं और ताम भी कर चुके हैं। मैं उनका तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। आने वाले दिनों में भी इसे अच्छा करने की कोशिश करेंगे। आप लोग हमारे हक़ में दुआ कीजिए। और जो हमारे साथ मेहमान हमारे पास आए, तब्बू खान साहब और बाबा खान साहब, ऐसे उनका मैं उनके तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि बरकातहू। वार्ड नंबर 17 में हर साल की तरह जो है ना इस साल भी अल्हम्दुलिल्लाह रोज़ महबूब नगर सिराज मेडिकल के पीछे जो हमारे नौजवान ग्रुप अरमान ग्रुप की तरफ से जो है हर साल की तरह जो है ना रोज़दारों के लिए जो है ना इफ्तार और ताम का इंतज़ाम किया जाता है। अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पर जो है देखिए आप तब्बू खान साहब हैं, बाबा खान साहब हैं, उनकी निगरानी में अल्हम्दुलिल्लाह जो है इफ्तार का और ताउन का खाने का इंतज़ाम किया गया था। अल्हम्दुलिल्लाह जो है ना सब जने आए रोज़दार, अल्हम्दुलिल्लाह जो है ना रोज़दार आए। बस हम रोज़दारों से ये गुजारिश है कि हमारे हक़ में दुआ कीजिए और जो है ना दुनिया में जो है ना जितने भी मुसलमान हैं उनके हक़ में दुआ कीजिए, ख़ासकर जो है ना फ़लस्तीन गाज़ा के मुसलमानों के लिए दुआ कीजिए। अल्लाह ताला रोज़दारों की दुआ कबूल करता। अल्हम्दुलिल्लाह बस आप लोगों से दुआ की गुजारिश है।